फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोटक महिंद्रा बैंक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम में ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो लाइफ टाइम फ्री होने का मतलब ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फी या कोई एनुअल फी आपसे नहीं ली जाएगी। इसके अलावा ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, तो आप इसको आसानी से यूपीआई के साथ में जोड़ सकते हैं। इससे यूपीआई अकाउंट बना करके यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीधे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है। बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे और यहाँ पे आकर के आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि पैन नंबर, मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक्ड हो, रजिस्टर्ड हो, उसके बाद फुल नेम और उसके बाद ईमेल आईडी और उसके बाद पिन कोड, और उसके बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फिर सबमिट पर टैप कर देना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं फटाफट से और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब हमें सबमिट पर टैप कर देना होगा इस तरह से। तो हमें रीडायरेक्ट किया जाता है कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक का, ये रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, तो आप इसको यूपीआई के साथ में लिंक कर सकते हैं और इससे यूपीआई ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। तो आइए गेट योर कार्ड नाउ पे टाइप करते हैं। इस पे हमें टाइप कर लेना होता है और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और ये टर्म्स एंड कंडीशन इस पे जो है हमें चेक कर लेना होता है और उसके बाद गेट ओटीपी पे टाइप करना होता है। तो आइए हम फटाफट से सारी डिटेल्स फिल करते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, आप गेट ओटीपी पे टाइप कर लेते हैं। तो एक ओटीपी आता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि हमें यहाँ पे एंटर करना होता है, तो आइए ओटीपी एंटर कर लेते हैं। तो ओटीपी हमने एंटर कर लिया है, अब वेरीफाई पे टैप कर लेना होता है, यहाँ पे लोकेशन को अलाउ करना होगा। अब देखिए ये उन लोगों के लिए है ये वाला प्रोसेस जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं। वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो हो सकता है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड प्री क्वालिफाइड ऑफर किया जाए, तो आप चेक कर लीजिएगा कोटक महिंद्रा बैंक की मोबाइल बैंकिंग के जरिए से, या फिर आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से भी चेक कर सकते हैं। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना हो तो आपको वीडियो आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या क्या एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो CRN अपना कस्टमर रिलेशनशिप नंबर एंटर कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें इस पे चेक कर लेना होता है और इस पे भी चेक कर लेना होता है और उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप कर लेना होता है। तो आइए डिटेल्स जो है हम अपनी फिल करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप करते हैं। तो हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब हमें नेक्स्ट पे टाइप कर देना होता है इस तरह से। तो एक OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे और वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना होता है। आइए OTP एंटर करते हैं। तो OTP हमने एंटर कर लिया, आप सबमिट पे टैप कर देते हैं। तो OTP हमने एंटर कर लिया और सबमिट पे टैप कर दिया है, तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि दिखाया जा रहा है चूज ए कार्ड, तो यहाँ पे यही लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है। और देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये आपको रेगुलर क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे देखिए रेगुलर क्रेडिट कार्ड और FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सकता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। तो हमने यहाँ पे चूज कर रखा है रेगुलर क्रेडिट कार्ड, तो हमें रेगुलर क्रेडिट कार्ड ही चाहिए है, FD के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए है। फिक्स डिपॉजिट करके अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसका अलग से हमने वीडियो बना रखा है, वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ले सकते हैं। तो आइए आप प्रोसीड पर टैप करते हैं। प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था लग रहा, अब सेलेक्ट हो गया है प्रोडक्ट, प्रोसीड पर टैप करते हैं। तो यहाँ पे होती हैं हमारी बेसिक डिटेल्स, तो बेसिक डिटेल्स बस आपको देख लेनी है कि सब सही है या फिर नहीं, और उसके बाद आपको प्रोसीड पर टैप कर देना होता है। और ये प्रोसेस खास करके उन लोगों के लिए है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स जो कि पहले से फिल्ड नहीं रहती हैं वो हमें फिल करनी होती हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशन हमें सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद कंपनी नेम हमें एंटर करना होता है, और यहाँ पे पैन नंबर हमारा होता ही है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना होता है। तो आइए फटाफट से ये सारी डिटेल्स हम एंटर करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ऑक्यूपेशन में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि रिटायर्ड है, स्टूडेंट, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ। तो देखिए जो क्रेडिट कार्ड है ये खास करके सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को ही मिलता है, और बाकी रिटायर्ड पर्सन को क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल होता है, और स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्रेडिट कार्ड मिलना। हाउसवाइफ को भी मिल सकता है लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा, तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आसान होता है क्रेडिट कार्ड मिल पाना। तो जो भी आप करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब प्रोसीड पर टैप कर देना होता है इस तरह से।
अब हमें यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, तो जो डिटेल्स पहले से यहाँ पे मौजूद होती हैं उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिटेल्स नहीं होती है मौजूद, बस वो फिल करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस इसमें चूज़ कर लेना है आपको। फिर सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप कर लेना होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस पूरा एंटर करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना होता है। तो आइए ऑफिस एड्रेस हम पूरा एंटर कर लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। इसमें आपको डेजिग्नेशन भी अपना एंटर करना होता है, अपना डेजिग्नेशन भी आपको यहाँ पे बताना होता है। तो हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली हैं, अब हमें नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है। इस तरह से अब हमें यहाँ पे चूज करना होता है कि हमें अपना कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा रखना है, तो रेसिडेंस एड्रेस या फिर जो है ऑफिस एड्रेस। तो जो भी आप एड्रेस अपना कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहें ताकि बैंक उस एड्रेस से कम्युनिकेट कर सके, मतलब उस एड्रेस पे आपको क्रेडिट कार्ड भेज सके या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मटेरियल हो वो भेज सके, तो हमने यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस चूज किया। अगर आपको ऑफिस एड्रेस चूज करना है तो आप ऑफिस एड्रेस चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक्सेप्ट करने होते हैं, यहाँ पे चेक करना होता है। और ये वाला ऑप्शन, प्लीज टिक इफ कोटक रिप्रेजेंटेटिव हैज इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस ऑफर। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, कोटक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं, तो इसको अनचेक रहने दीजिएगा। और अगर आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को इनेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस पे इस तरह से चेक कर लेना है। और इसमें आपको चूज करना है कि आप मिनिमम ड्यू का पेमेंट करना चाहते हैं ऑटो डेबिट के जरिए से या फिर टोटल, तो आपको टोटल अमाउंट ड्यू वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। क्यों, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। और मैंने इसका वीडियो बना रखा है कि आप जो है कैसे अपने कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए ऑटो डेबिट की फैसिलिटी को इनेबल कर सकते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके। तो ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको प्रोसीड पे टैप कर देना है। तो हमें एक SMS आ गया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का SMS आ गया है और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। हमें रेफरेंस नंबर मिल गया जिसके जरिए से हम अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस को जान सकते हैं। रेफरेंस नंबर है, फॉर्म नंबर है, तो ये आप जो है सेव करके रख लीजिएगा। इसको आप फोटो लेकर के भी रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर नहीं है तो ऐसे में आपका वीडियो KYC कराया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के जो कस्टमर होते हैं तो उनसे जो है ज्यादातर केसेस में कोई वीडियो KYC वगैरह नहीं कराया जाता, क्योंकि पहले से KYC की जो डिटेल्स होती हैं वो बैंक के पास मौजूद होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है क्योंकि लाइफ टाइम फ्री है, इसकी ये एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि ये रुपए नेटवर्क के साथ में आता है, इसको आप UPI के साथ में लिंक करके UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ये फायदा होगा। बाकी अभी के टाइम में क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तो मेरी नज़र में एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है और ज़्यादातर लोगों को ये क्रेडिट कार्ड ऑफर भी किया जा रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, मतलब इससे आपको कोई शिकायत ही नहीं होगी जब लाइफ टाइम फ्री है। तो जब आपको कोई चार्ज नहीं देना है, इसका कोई एनुअल चार्ज या फिर ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी जो होती है वो नहीं देनी है, तो फिर जो है मेरे ख्याल से ये क्रेडिट कार्ड जो है सही है। आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो फटाफट से जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिया है उसके जरिए से अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करके बताइएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ या फिर नहीं, और क्रेडिट कार्ड अप्लाई होने के बाद क्या हुआ, आपको क्रेडिट कार्ड मिला या फिर नहीं। और जो कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं वो क्रेडिट कार्ड ये वाला अप्लाई जरूर से करें एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट नहीं ओपन किया और कोटक महिंद्रा बैंक के आप कस्टमर नहीं बने हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर बन सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट ओपन करके। तो देरी किस बात की, हमने आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आपको उस लिंक के जरिए से अकाउंट ओपन कर लेना है। और हमने इस पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कैसे आप कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन जरूर से चेक कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो सारे आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस जिसकी मदद से आप कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी आसानी से मिल जा रहा है उन लोगों को जिनके पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है और खास करके जिनका कोटक महिंद्रा बैंक में पहले से अकाउंट होता है, भले ही वो कोटक 811 अकाउंट ही क्यों ना हो। तो अगर आपने अब तक कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में लिंक दे दिए हैं,
क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का भी और बैंक अकाउंट ओपन करने का भी। तो इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।